लेकिन हम चाहते हैं कि यदि गवर्नमेंट हमें जैसे INA में जो दिल्ली ये हाट दिल्ली में हाट है यहाँ पर महीने या 2 महीने में कभी कभी दुकान यदि हमें दे दी जाए तो हम अपना सामान वहाँ बहनों का बेच सकें, क्योंकि हम लोकल फॉर वोकल के लिए काम करना हमने शुरू किया था। जब ये काम शुरू किया था तब यही सोच कर किया था कि ये मोदी जी भी इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि घर में रह के महिलाएं काम करें, अपने घर का सारा जो है सामान वो खुद बनाएं और बाजार से चाइनीज सामान को ना खरीदें। शुभकामनाएं होती हैं। मैंने कहा थैंक यू, ये कह रहा हूँ लड़की की एंगेजमेंट की, तो कह तो क्या पहले तो मेरे को समझ नहीं आता इनकी ना। हाँ बात को माइंड भी क्यों करते हो। शुभकामनाएं कहो, खास प्रोग्राम में आज आप सबका फिर से स्वागत है। होली का त्योहार है और बड़े उत्साह के साथ पूरे देश में होली को मनाने की तैयारी चल रही है। इस होली के मौके पर हम एक विशेष अंक लेकर के आए हैं और हमारे साथ विशिष्ट अतिथि हैं सुमन अग्रवाल जी, जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी में सिद्धस्थ हैं और बहुत सारा इनका वर्क जो है कई सारे लोगों द्वारा ये किया गया है, तो लोग इसको प्रशंसा करते हैं, उसको देखते हैं। सुमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जो है इनकी महारत हासिल है और कई तरह से लोगों को अपने साथ इन्होंने जो महिलाएं हैं उनको अपने साथ एकत्रित कर रखा है और जो आजीविका होता है आजीविका की बात होती है, लाइवलीहुड की बात आती है, तो उसमें लोगों को सहयोग भी करते हैं। सुमन जी मैं चाहूंगा कि अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए लोगों को थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। नमस्कार, मैं सुमन अग्रवाल हूँ और जैसे ही मैंने जब अपना शौकिया तौर पे मैं घर पे काम करती थी छोटा छोटा,
लेकिन जब लोगों मुझे मेरे काम की प्रशंसा करने लगे तो मैंने धीरे धीरे इस काम को बढ़ाना शुरू किया। तो मैंने जो है पहले घर पर ही अपने घर को सजावट के लिए बनाती थी, लेकिन अब मैं इसको प्रोफेशनल तौर पर बाहर भी बेचती हूँ। हम लोग जो है जैसे ये इयररिंग्स वगैरह हैं, ये इयररिंग्स वगैरह हैं ये बनाते हैं, और इस टाइप के इयररिंग्स भी बनाते हैं, इस टाइप के इस तरीके के, ये मोती का आपने बनाया? हाँ, ये मोती के बने हुए हैं, सीप के कौड़ी के। हाँ जी, और ये जैसे शादी वगैरह में लोग पहनते हैं इयररिंग्स, ये उस तरीके के हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप जब महिलाओं को देखते होंगे जब शादी बारात में जाती हैं तो इस तरह के आर्टिफिशियल ज्वेलरी का यूज करते हैं, जो कि आजकल बहुत प्रचलन है, और इस तरह के प्रोडक्ट्स आप अगर मार्केट में लेने जाएंगे बहुत ही महंगे दामों में मिलते हैं। और इन्होंने घर में महिलाओं की सहायता से खुद भी बनाती हैं और अपने साथ महिलाओं को भी अपने साथ रख रखकर जो मिल करके इस तरह से काम करते हैं। और इसके अलावा हम जो है पैकिंग का काम भी करते हैं शादी वगैरह में, जो पैकिंग होती है, और जैसे मान लिया जो शादी में साड़ी वगैरह होते हैं देने वाले गिफ्ट पैक होते हैं, वो सब सामान हम पैक करते हैं। उसके अलावा जैसे किसी का घर का मुहूर्त होता है या दुकान की इनॉग्रेशन होती है तो उसके लिए भी हम सामान पैक करते हैं। और इसके अलावा जो है दिवाली वगैरह पर भी हम हाथ से बने हुए सामान को बनाते हैं, और दिवाली पे हम कोई भी सामान बाजार से नहीं खरीदते, और हमारी जितनी भी बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो बाजार से नहीं खरीदती हैं, अपने हाथ से बनाए हुए सामान से ही अपने घर को डेकोरेट करती हैं। जैसे ये है, ये लटकन बनी हुई है, और ये दिया, हाँ ये दिया है जिसमें हम दिया जलाते हैं, दीपावली जो है दियो का ही त्यौहार होता है, ये भी इसी टाइप का है। और कुछ इस टाइप की जो मंदिर वगैरह पे लगाए जाते हैं, हम इस टाइप की भी जो है सारा सामान बनाते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ बहनें जो हैं फूल वगैरह भी बनाती हैं, जैसे ये फूल है, होम डेकोरेशन में मेरे ख्याल से, हाँ ये फ्लावर डेकोरेशन के लिए काम में आता है, और ये इस टाइप के बहुत सारे फ्लावर्स हैं, अभी इनको जो है गुलदस्ता बनना बाकी है, ये फ्लावर अलग अलग हैं। हाँ, तो इस टाइप का काम हमारी सारी बहनें मिलकर करती हैं, और सब अपना खुशी से टाइम भी कट जाता है, जिनके पास खाली टाइम होता है अपना टाइम का यूज करती हैं और थोड़ा बहुत पैसे भी कमाती हैं। इसको जैसे आप इनकी बात होती है तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी वगैरह कहाँ से देखती है, कैसे मतलब मटेरियल कैसे हमने कहाँ से लेना है, इसका डिजाइन का सिलेक्शन वगैरह की बात होती है, हमें कौन से डिजाइन बनाने, तो इसका एक आइडिया कैसे आपको मिलता है? जब हम मार्केट में जाते हैं तो जैसे सामान हमें जो अवेलेबल होता है, चूंकि हमें होलसेल मार्केट अभी नहीं पता लगा है कहाँ पर ये सारा सामान होलसेल में मिलता है, अभी तो हम जो है थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आते हैं और उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हम बड़े स्केल पे इसको काम को शुरू करेंगे तो हम थोक जो मार्केट है वहाँ से उठाना शुरू करेंगे। ये वैसे अभी मैं चांदनी चौक से सारा सामान इकट्ठा करके लेकर आई थी, और इन्हें लाने के बाद मैं सोचती हूँ कि अब इसको कैसे यूज़ किया जाए, तो जो भी मुझे अच्छा लगता है, जो हमारी बहनें सजेस्ट करती हैं उसी टाइप के हम ये सामान बना लेते हैं। अभी कितनी महिलाएं आपके साथ एसोसिएटेड होंगी, अगर अभी बात की जाए जब इस तरह की चीज़ें मैं देख रहा हूँ काफ़ी तरह के डिजाइन से, तो अभी कितनी महिलाएं आपके साथ मिलकर भी काम करती हैं? अभी हमारे साथ 8 से 10 महिलाएं हैं जो हमारे साथ मिलकर काम करती हैं। सभी दक्ष हैं इस तरह के कार्यक्रम? नहीं नहीं, काम में दक्ष नहीं है, जो आती हैं वो बिल्कुल घरेलू महिलाएं हैं, तो आपको पता है कि उनको तो हमें सिखाना पड़ता है, और सिखाने के टाइम पे जो है हमारा सामान भी हमें ही देना पड़ता है, और साथ में उनको जो है जो सामान खराब करती हैं या जो सामान उनसे बेकार हो जाता है, खराब तो खैर कोई नहीं करना चाहता लेकिन खराब हो जाता है, तो उसको भी फिर हमें ही देखना पड़ता है, सिखाने के साथ साथ सामान का भी जो मूलभूत समस्याएं हैं कि मतलब क्या फेस करती हैं और कैसा चाहती हैं कि क्या सपोर्ट मिल जाए ताकि काम को और आगे बढ़ाया जा सके? जी, हमारे पास एक तो जगह की व्यवस्था नहीं है, जैसे 8-10 महिलाएं कहीं बैठ जाएं उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके अलावा जो है हमें फाइनेंस की भी थोड़ा दिक्कत आती है, चूंकि जो महिलाएं आती हैं उनको पैसे की, आपको पता है कि जो घर में महिलाएं होती हैं उनके जेब खर्चा भी उनको बड़ी मुश्किल से मिलता है,
इसलिए जो है सारा सामान का खर्चा भी, उनको सिखाने का खर्चा भी, उनको पैसे भी जो है वो हमें ही देने पड़ते हैं। उसके अलावा जो है हमें एक चीज और फेस करनी पड़ती है, जो सामान तैयार हो जाता है, अभी तो हम यहीं पर आसपास बेच लेते हैं सामान को, और उसके अलावा जैसे मान लीजिए छोटे छोटे मेले लगते हैं तो उनमें हम जाकर इस सामान को बेच लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यदि गवर्नमेंट हमें जैसे INA में जो ये दिल्ली हाट है, यहाँ पर महीने या दो महीने में कभी कभी दुकान यदि हमें दे दी जाए तो हम अपना सामान वहाँ बहनों का बेच सकें। क्योंकि हम लोकल फॉर वोकल के लिए काम करना हमने शुरू किया था, जब ये काम शुरू किया था तब यही सोच कर किया था कि ये मोदी जी भी इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि घर में रह के महिलाएं काम करें, अपने घर का सारा जो है सामान वो खुद बनाएं और बाजार से चाइनीज सामान को ना खरीदें, तो बस यही सोचकर हम लोग जो है घर में सामान बनाना शुरू किया था। और अब जो है ये सामान हमारा काफ़ी अच्छा सेल हुआ, दिवाली पर भी सेल हुआ, और हम लोग जो मेलों में बेचने जाते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा खासा सामान हमारा बिक जाता है। अभी आप सुन रहे थे सुमन अग्रवाल जी को, महिला दिवस बहुत ही करीब है और आपने देखा कि घर को समझौते हुए कैसे अपनी आजीविका को, जीविकोपार्जन को कैसे बढ़ाया जा सके, उसमें उन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इनका काम देख करके ही एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है, और हम चाहते हैं कि जो इन्होंने मांग रखी है लोकल फॉर वोकल के लिए, घोषणाएं बहुत सारी की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की सरकार करती है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर सरकार ध्यान में रखती है तो निश्चित रूप से जो देश का विकास है वो एक स्तर को पहुंच जाएगा। हमारी ये मांग है कि महिला दिवस में इस तरह के महिला एंटरप्रेन्योर्स को सरकार बढ़ावा दे, ऑनलाइन मार्केट के थ्रू जो पोर्टल्स हैं उन पे भी इनकी भागीदारी बढ़े, साथ साथ जो इन्होंने मांग रखी है कि दिल्ली हाट में इस तरह के जो समूह हैं उनकी भी प्रतिभागिता को सुनिश्चित किया जाए। जन मीडिया टीवी के लिए प्रकाश मिश्रा, सुमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।